उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुख्य मृगा। अर्थात व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। नमो यूनिवर्स प्यारे दोस्तों, क्या आप भी दूसरे के मन की बात को जानना चाहते हैं, या कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है? क्या इन सभी बातों को जान लेना संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, संभव है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूं, अगर आप उनका लगातार अभ्यास करते हैं तो आसानी से आप किसी के भी मन की बात को समझ पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। देखिए, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातें को जान सकते हैं या समझ सकते हैं। वैसे यह सब प्रयोग आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिषी हैं, वह यही सारे प्रयोग करके आपके मनोभावों को जान लेते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, वो पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वह आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। तो आपको लगता है कि यह ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है, इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और यह कोई चमत्कार भी नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, और इससे ही वो आपके मन की बातों को आसानी से जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि उनका बिजनेस इसी से ही चलता है। तो आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं कि इसको किया कैसे जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर आप किसी के मन की बात को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपके मन का शांत होना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को, तभी आप इन प्रयोग को सक्सेसफुली कर पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनता हूँ। एक जैन फकीर थे जिनका नाम जॉर्ज गुरजावे था। उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था, वह उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो। जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ अपने मन में बात कर लेना सीखते थे। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। जो जैन फकीर थे, वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सीखते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोग के द्वारा शांत होने लगता था, तो गुरुजी क्या करते थे, अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कि गुलाब का फूल। और जब तक वह शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था, तब तक वह उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वह एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वह सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं, ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं, ये प्रूफ प्रैक्टिकल बातें हैं। बहुत लोगों ने इस पे प्रयोग किया है। आपने कभी देखा होगा, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वह बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर, उनकी बातें को सुनकर, उनके मन की बात जान लेते हैं। तभी मनोवैज्ञानिक लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे सब कुछ पता है। तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन शांत है, तभी आप किसी दूसरे की मन की बात सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकालकर पूर्णतः शांत हो जाएं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है, वह आपको कैसे नहीं सुनाई देगा। लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दे, जिन लोगों का मन बहुत ही चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो किसी और की मन की बात को क्या समझ पाएंगे। मैंने एक कहानी सुनी। एक फकीर थे, वो अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में वॉक करने जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था, उसने अपने मित्र को भी साथ लेकर आया, तो मॉर्निंग वॉक के टाइम पर उनका भविष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वह काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज नहीं की,
जो उनके शिष्य का मित्र था, वह बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों है। उसने सोचा, मैं ही बात शुरू करता हूं, और काफी समय गुजरते के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। आज जब उसे शिष्य के मित्र ने यह बात कही तो फकीर ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि यह बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह, मौसम कितना अच्छा है, इसमें ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। तो फकीर ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है, अब जरा सी भी आवाज मुझे मालूम होती है, सुबह अच्छी है तो है, मौसम अच्छा है तो है, मैं भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहा था कि मौसम अच्छा है, तुम भी देख रहे थे, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का मतलब ही क्या हुआ। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है, ये व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूं और बिना कहे सब कुछ सुन सकता हूं, तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को वेस्ट क्यों करूं, जब मैं बिना बोले सुन सकता हूं, बिना कहे भी बोल सकता हूं, तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सके, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें, इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पर आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में गहराई से झांक कर देखिए कि वहां क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे इसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने पांच साथी योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णता शांति आ जाते हैं, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं, गहराई से समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। एक शांत चित वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ सकता है, और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी लोगों के मन पढ़ सकते हैं, उनके मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें, और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन की गहराई में झांकने की कोशिश करें। दूसरे के मन की बात को जान लेना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देगी। अब आप यह सोच रहे होंगे, किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपकी नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले की मन की बात को समझ पाए, महसूस कर पाए, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। यह सब इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन निरंतर अभ्यास से आप लोगों के मन की बात जान पाएंगे। और उससे भी पहले आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है कि मैं कर लूंगा और करके दिखाऊंगा, और आप देखना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सबके मन की बातें जान पाओगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोजाना ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।